यूपी के वीआईपी सीटों पर हुआ विकास या धरे रह गए वादे। कांग्रेस सपा का किला रायबरेली मैनपुरी को क्या मिला। 9 सालों में काशी की कैसे हुई कायापलट। अक्सर कहा जाता है कि देश के बाकी संसदीय सीटों की तुलना में वीआईपी संसदीय क्षेत्रों का विकास ज्यादा होता है, लेकिन कुछ पार्टियों ने इसे भी गलत साबित कर दिखाया। सोनिया गांधी की रायबरेली और समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी ही देख लीजिए, जो वीआईपी सीट के टैग के साथ आज भी विकास से कोसों दूर है। लेकिन इसके उलट वीआईपी सीट काशी, जहां आज विकास की गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश के इन तीनों वीआईपी सीट की बात करें तो रायबरेली, जहां सोनिया गांधी 4 बार से सांसद रही, सपा की गढ़ मैनपुरी में पहले 5 बार मुलायम सिंह सांसद रहे, उसके बाद उनकी बहू डिंपल यादव को वही सीट विरासत में मिली। वही काशी से पीएम मोदी 2 बार ही सांसद रहे। एक तरफ रायबरेली और मैनपुरी जहां एक्सप्रेसवे, एम्स अस्पताल तो दूर, बेहतर हाईवे तक नहीं है, दूसरी तरफ काशी जहां 9 सालों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सड़क से लेकर सफाई तक काशी के सांसद लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। कभी संकरी गलियां, गंदगी, माथे पर लटकती बिजली की तारे, गंगा में बहता नाला, 9 साल पहले काशी की यही पहचान हुआ करती थी। आज उन सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई है, गंदगी गायब हो गई, काशी के घाटों में अब नाला नहीं बहता। यही नहीं, जिस काशी से प्रयागराज के बीच का सफर पहले 5 से 6 घंटों का होता था, 6 लेन की सड़क बनने से महज 1.5 घंटे में सफर पूरा हो जाता है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की तरह दिखाई देते हैं। 84 घाटों का कायाकल्प किया जा चुका है। शहर में झूलते तारे को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। 9 साल पहले तक जो विश्वनाथ मंदिर संकरी गलियों में कैद था, आज वो भव्य दिखाई पड़ता है। सांसद आदर्श ग्राम परियोजना के तहत काशी लोकसभा क्षेत्र में आधे दर्जन गाँव सांसद आदर्श ग्राम में तब्दील हो चुके हैं। टूरिस्ट के लिए वर्ल्ड क्लास सड़क, रेल और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी है। वाटर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में क्रूज सेवा शुरू की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। वाराणसी में कैंसर अस्पताल खुलने से इलाज के लिए काशीवासियों को दिल्ली और मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उनके अपने शहर वाराणसी में इसके इलाज की अत्याधुनिक सुविधा मौजूद है। लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए आईटीआई से लेकर पॉलिटेक्निक तक के संस्थान खोले गए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, प्रदर्शनियां और वर्कशॉप हो सकते हैं। वाराणसी में जर्जर हो चुके सरकारी प्राइमरी स्कूल की सूरत ऐसे बदली कि ये प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहे हैं। स्कूलों में अत्याधुनिक क्लासरूम, कंप्यूटर लैब के साथ ही सुविधायुक्त लाइब्रेरी भी है। काशी में विकास झलकता है, क्योंकि पीएम ने न सिर्फ विकास कार्यों की आधारशिला रखी, बल्कि उनके निर्माण के दौरान लगातार अपनी नजर बनाए रखी। पिछले 9 साल में पीएम 30 से ज्यादा बार काशी का दौरा कर चुके हैं, जबकि पहले ऐसे कई प्रधानमंत्री भी रहे जो अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना तो दूर, वहाँ का दौरा करना भी जरूरी नहीं समझते थे। आज देश ही नहीं, दुनिया में काशी की नई पहचान बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।